हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट सरकंडा बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी प्रकार के वीडियो को आप सभी इस लॉकडाउन के दौर में अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए देख रहे होंगे। जैसा कि अब आप सबको पता है कि कोरोना महामारी अब छत्तीसगढ़ में भी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि घरों में सुरक्षित रहते हुए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो डाले जा रहे हैं उसी के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ता प्रदान करें, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं में आप अच्छा उपलब्धि या सफलता प्राप्त कर सकें। आज का यह वीडियो पर हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास पर बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास टॉपिक पर कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके और व्हाट्सएप करके हमें यह निवेदन किया है कि हम इसके कम्प्लीट टॉपिक को आपको इस ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराएं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में मैं कंप्लीट टॉपिक को लगातार सीरीज के तौर पर आपके लिए प्रस्तुत करते जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा था, उस पर हमने कुछ चर्चाएं की थी, जो मैं आपको एक बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ता हूँ। हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को दो खंडों में हम बाँट करके पढ़ते हैं, और पहले खंड में हम पढ़ते हैं कि जो भारतीय इतिहास के राष्ट्रीय राजवंश हुए, उन राष्ट्रीय राजवंशों का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। पिछले वीडियो में हमने इसी टॉपिक पर चर्चा किया था, राष्ट्रीय राजवंशों का छत्तीसगढ़ में प्रभाव, जबकि दूसरा खंड छत्तीसगढ़ पर प्रभाव, और दूसरा खंड जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित है वह ये कि छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को दो भागों में हम इसलिए बांटते हैं क्योंकि दो तरह के वंशों का छत्तीसगढ़ पर प्रभाव रहा। पहले वंश ऐसे थे जिनका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ या उसके सीमावर्ती क्षेत्रों तक रहा, इसलिए इन्हें स्थानीय राजवंश कहते हैं। और एक ऐसे वंश थे जिनका प्रभाव संपूर्ण भारत में था और संपूर्ण भारत पर पड़ा, इसलिए उनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय राजवंश कहते हैं। इन राष्ट्रीय राजवंशों में मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, वाकाटक काल, ये सही महत्वपूर्ण वंश हुए। इनका साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला, किस किस कौन कौन से स्थल इन वंशों से संबंधित हैं, इस पर हमने पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा किया था। आज हम स्थानीय राजवंश पढ़ेंगे। स्थानीय राजवंशों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख वंश हैं उन वंशों में हैं नल वंश, दूसरा वंश जो है इससे संबंधित वह है सरबपुरी वंश, तीसरा वंश जो इससे संबंधित है वह है राजर्षि तुल्य कुल वंश, चौथा जो वंश है इससे संबंधित वह है अमरकंटक का सोम वंश, पांचवा वंश जो इससे संबंधित है वह है सिरपुर का पांडु वंश, अगला जो वंश हम पढ़ेंगे वह है उड़ीसा का सोम वंश। ये प्राचीन इतिहास से संबंधित छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थानीय राजवंश हैं। इस राजवंशों के नाम लिखने में मैंने किसी प्रकार का सन के आधार पर क्रमबद्ध नहीं लिखा है, मैंने रेंडमली किसी भी वंश का नाम लिखा है, इसलिए आप इसे किसी तरह का सीरीज ना माने, और मैं पढ़ाने के दौरान भी किसी क्रमबद्ध रूप से नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, पढ़ाने के पश्चात मैं आपको राजवंशों का कालक्रम के आधार पर सीक्वेंस बता दूंगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापम में और पीएससी में पूछा जाता है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। आज स्थानीय राजवंशों में हम चर्चा करेंगे नल वंश पर और चर्चा करेंगे राजर्षि तुल्य कुल वंश पर। स्थानीय राजवंश में हम जो पहला टॉपिक आज आपके समक्ष चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है नल वंश। नल वंश के संबंध में हम कुछ प्राइमरी बातें पहले समझते हैं कि नल वंश की काल अवधि कब तक थी, इस वंश ने कब तक शासन किया। इतिहासकारों के हिसाब से नल वंश ने छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में, जिसे हम दंडकारण्य के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में लगभग 10वीं ईस्वी तक इनका शासन प्रभाव था, और इन्होंने बस्तर या दंडकारण्य प्राचीन जो नाम है उस पर इन्होंने शासन किया। दूसरा बात कि इनका प्रभाव क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था, कहाँ कहाँ तक ये फैले हुए थे, तो इतिहासकारों के हिसाब से इनका प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण बस्तर में था, और संपूर्ण बस्तर के अतिरिक्त दक्षिण कोसल का दक्षिणी भाग, दक्षिण कोसल अर्थात वर्तमान का जो हमारा मैदानी क्षेत्र है उसका दक्षिणी भाग इसके प्रभाव में था, साथ ही साथ कुछ उत्कल का क्षेत्र में भी इनका प्रभाव था। तो आप समझिए कि नल वंश का प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण बस्तर में था और इनकी कालावधि 4वीं से लेकर 10वीं सदी तक थी। यदि हम बात करें कि इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी का नाम था पुष्करी,
इनकी राजधानी का नाम था पुष्करी, जिसे प्राचीन काल में पोड़ागढ़ भी कहा जाता था, परंतु वर्तमान में इसी क्षेत्र को ही भोपालपट्टनम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इनकी राजधानी पुष्करी या पोड़ागढ़ थी, जो वर्तमान में भोपालपट्टनम के नाम से हम जानते हैं। अब सवाल उठता है कि इस वंश का नामकरण नल वंश क्यों रखा गया। तो इस वंश के जो भी अभिलेख या ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, उनके हिसाब से इस वंश का जो आरंभिक शासक है, जिसे हम आदि पुरुष के रूप में जानते हैं, तो इस वंश का आदि पुरुष है राजा नल। राजा नल को इतिहासकारों ने ये बताया है कि जो नल वंश के शासक हुए, वे सभी के सभी मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति नल से हुई है। अब सवाल उठता है कि राजा नल कौन है। तो इतिहासकारों के हिसाब से ये राजा नल पौराणिक जो कथाएं हैं, उस पौराणिक कथा में नल दमयंती जो कथा आपके सामने आती है, उसी नल दमयंती कथा का पात्र है नल, और उसी से ये अपना उत्पत्ति मानते हैं। इसीलिए नल वंश का आदि पुरुष राजा नल को माना गया है। परंतु इसके संबंध में कोई हमारे पास साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। राजा नल इनका आदि पुरुष है, लेकिन ये अपना संस्थापक अर्थात नल वंश की स्थापना बस्तर क्षेत्र में किसने की, इसमें इसका नाम सिसुक प्राप्त होता है। राजा नल इनका आदि पुरुष है, जबकि संस्थापक के रूप में सिसुक की जानकारी प्राप्त होती है। सिसुक के पश्चात इस वंश का जो ज्ञात राजा है, जो हमको ज्ञात हुआ है, वो तीसरा है, जिसे हम कहते हैं व्याघराज। व्याघराज इस वंश का ऐसा राजा है जिसका वर्णन हमको ऐतिहासिक तौर पर पहली बार प्राप्त होता है। व्याघराज का वर्णन समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशयन ने किया है, हरिशयन के प्रयाग प्रशस्ति में, हरिशयन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया है। और समुद्रगुप्त जब दक्षिणापथ विजय अभियान के लिए निकले थे, तब उन्होंने दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र को और बस्तर के राजा व्याघराज को पराजित किया था। इस व्याघराज और समुद्रगुप्त के विजय अभियान के संबंध में मैंने पूर्व वीडियो में भी चर्चा किया है। आप चाहें तो हमारे इस YouTube चैनल में आई बटन को दबा करके उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्याघराज ऐतिहासिक रूप से पहला ज्ञात राजा है, क्योंकि इसका वर्णन इतिहास में किया गया है हरिशयन के प्रयाग प्रशस्ति में, जिसके अनुसार दक्षिणापथ अभियान में समुद्रगुप्त ने व्याघराज को पराजित किया था। व्याघराज के पश्चात इस वंश का जो इम्पोर्टेंट राजा है, वह राजा है वराहराज। वराहराज के संबंध में हमें जानकारी एड़ेंगा अभिलेख से मिलती है। एड़ेंगा अभिलेख कोंडा गांव में स्थित है। कोंडा गांव का एड़ेंगा में इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। वराहराज के लगभग 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये 29 सिक्कों में सोने चांदी सही प्रकार के सिक्के प्राप्त हैं। इन्हीं सिक्कों के आधार पर वराहराज की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम अभिलेखी दृष्टि से देखें तो वराहराज पहला राजा है जिसके संबंध में हमें कोई इस अभिलेख छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में प्राप्त होता है। इसीलिए कुछ इतिहासकार वराहराज को नल वंश का संस्थापक मानते हैं। इसीलिए कुछ परीक्षाओं में इस पर डिस्प्यूट भी हुआ है। कई बार आंसर सिसुक को लिया गया है और कई बार वराहराज को लिया गया है। हम इसको इस रूप में याद कर लें कि संस्थापक सिसुक है और वराहराज इस वंश का वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक। लेकिन इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ, उसके संबंध में मैं इस तरफ आपको बारी बारी से वर्णन करते चलता हूँ, आप ध्यान से समझते चलिएगा। इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक है, वो प्रमुख शासक हुए भवदत्त वर्मन। चार शासक को हमने पढ़ लिया है, भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन की जानकारी प्राप्त होती है रिद्धिपुर ताम्रपत्र से। रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन के द्वारा उत्कीर्ण नहीं कराया गया है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र का उत्कीर्ण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती के द्वारा कराया गया है। परंतु इस रिद्धिपुर ताम्रपत्र में भवदत्त वर्मन की जानकारी हमको प्राप्त होती है। इस ताम्रपत्र के हिसाब से भवदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश पर आक्रमण किया था, और जब वाकाटक वंश पर आक्रमण किया था तब वहाँ के शासक नरेंद्र सेन थे। वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन को पराजित किया, और नरेंद्र सेन को पराजित करके उनकी राजधानी नंदीवर्धन पर अपना शासन स्थापित किया। शासन स्थापित करने के पश्चात भवदत्त वर्मन अत्यंत प्रसन्न हुआ, और अत्यंत प्रसन्न होने के पश्चात उसने प्रयाग में जा करके एक दान पत्र जारी किया
और इस प्रयाग के दान पत्र से भी हमें भौदत्त वर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये हम यदि इस बात को बहुत गंभीरता से समझें कि भौदत्त वर्मन एक क्षेत्रीय शासक है जबकि नरेंद्र सेन एक राष्ट्रीय वंश का शासक है, तो एक क्षेत्रीय वंश के शासक के द्वारा राष्ट्रीय वंश के शासक को पराजित करना उस समय काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही होगी। इसलिए इसे आपको हमेशा याद रखना है कि भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। दूसरी जो जानकारी इसके संबंध में ये कि इसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका था, इनकी पत्नी का नाम था अचाली भट्टारिका। संभवतः यह पल्लव वंश की राजकुमारी थी और इसी के नाम पर भौदत्त वर्मन ने अपनी उपाधि धारण की भट्टारिका से भट्टारक, और इसके पश्चात सभी राजाओं ने भट्टारक उपाधि रखना प्रारंभ कर दिया। भट्टारक उपाधि के अलावा और इसकी उपाधि थी महाराज और महेश्वर, ये उपाधि भी इन्होंने रखा था। महेश्वर उपाधि से इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि भौदत्त वर्मन शैव धर्म के उपासक थे, अर्थात शिव के पूजा करते थे। भौदत्त वर्मन के पश्चात इस वंश का जो प्रमुख शासक हुआ वे थे अर्थपति। मैं अर्थपति के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा बात आपको बताऊं कि भौदत्त वर्मन के दो पुत्र हुए, प्रथम पुत्र का नाम था अर्थपति और द्वितीय पुत्र का नाम था स्कंद वर्मन। इस रिश्ते या संबंधों के संबंध में भी अलग अलग किताबों में, अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग वर्णन मिलता है। छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी में इन्हें दो पुत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, किसी किताबों में ऐसा कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया है। चूंकि अर्थपति ज्येष्ठ पुत्र थे इसलिए भौदत्त वर्मन के पश्चात अर्थपति राजा बने और इन्होंने अपने पिता के भट्टारक उपाधि को भी अपनाया, इसलिए इनका पूरा नाम अर्थपति भट्टारक पड़ा। भट्टारक दो सेंस में उपयोग किया गया है। सबसे पहले इनकी माता भट्टारिका थी, वहाँ से लिया गया है, और द्वितीय सेंस इसमें कुछ इतिहासकारों ने युवराज के रूप में भी लिया है। तो इस प्रकार अर्थपति भट्टारक में भट्टारक एक उनकी माता से संबंध बताता है और दूसरा भट्टारक युवराज का भी बोध कराता है। युवराज के लिए भट्टारक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अर्थपति भट्टारक के बारे में कुछ बातें आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए, समझते चलिए। पहला बात ये कि चूंकि भौदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन को पराजित किया था, इसलिए नरेंद्र सेन के पोते पृथ्वी सेन द्वितीय ने अर्थपति पर पुनः आक्रमण किया। इस प्रकार से पृथ्वी सेन द्वितीय, आप नाम याद रखिएगा, पृथ्वी सेन द्वितीय नरेंद्र सेन का वंशज ने अर्थपति पर आक्रमण किया जो कि वाकाटक वंश का था, और अर्थपति पर आक्रमण करके इसने पुष्करी को तहस नहस कर दिया। अर्थपति इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ और पूरी तरह से यह राजधानी तहस नहस हो गई। दूसरी पॉइंट, अर्थपति ने अपने शासनकाल में, जब वह शासन कर रहे थे शासनकाल में, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, और सोने के सिक्के के संबंध में मैं आपको एक जानकारी स्पष्ट कर दूं ताकि आप उसको रिमाइंड करके रखें। एक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस नलवंशी शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए, और उस प्रश्न के आंसर में हमेशा आंसर लेता है अर्थपति को। परंतु जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं किताबों को पढ़ने से, उसके हिसाब से सोने के सिक्के की शुरुआत वराहराज ने कर ली थी। 29 सिक्कों में सोने के सिक्के थे। वराहराज के पश्चात भौदत्त वर्मन ने भी सोने के सिक्के चलवाए थे, उसके पश्चात अर्थपति को यदि हम लें तो यह तीसरा शासक है। परंतु परीक्षाओं में अर्थपति को ही बार बार उत्तर में लिया है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अर्थपति को ही आप टिक करके आए, परंतु साक्ष्य के आधार पर तीनों ने सोने के सिक्के चलवाए थे। अर्थपति के उपाधि पर भी हम चर्चा कर लें तो अर्थपति ने भी अपने पिता के समान कुछ उपाधियां रखी। एक उपाधि इसने रखा महेश्वर, एक उपाधि रखा इसने भट्टारक, और एक उपाधि रखा इसने महासेनापति। ये प्रमुख उपाधियां अर्थपति भट्टारक की हैं। अर्थपति भट्टारक के पश्चात, चूंकि अर्थपति भौदत्त वर्मन का ज्येष्ठ पुत्र था इसलिए वो प्रथम राजा बना, अर्थपति के वीरगति के पश्चात स्कंद वर्मन इस वंश का राजा बना, तो इस वंश का अगला जो शासक है या राजा है वह है स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन जब राजा बना तो पुष्करी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। पुष्करी पर वाकाटक वंश के राजाओं का शासन स्थापित हो चुका था, लेकिन स्कंद वर्मन ने युद्ध करने के बजाय पुष्करी के पुनर्निर्माण पर बल दिया। आप इन दोनों के बारे में और समझ लीजिए।
अर्थपति भट्टारक के बारे में मैंने जो जानकारी बताई वह जानकारी मिलती है केसरी बेड़ा तामपत्र से, केसरी बेड़ा तामपत्र। जबकि स्कंद वर्मन के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है वह है पोड़ागढ़ अभिलेख, पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि वर्तमान का भोपालपट्टनम प्राचीन काल का पोड़ागढ़ या पुष्करी कहलाता था। तो स्कंद वर्मन ने सर्वप्रथम जो कार्य किया वह ये कि उसने पुष्करी को पुनः बसाया, जो पुष्करी तहस नहस हो चुकी थी उसको पुनः बसाया। पुष्करी को पुनः बसाने के पश्चात उसने पुष्करी में एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। तो द्वितीय जो संबंध इसके है वह कि इसने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। विष्णु मंदिर का निर्माण कराया इस बात से स्पष्ट होता है कि स्कंद वर्मन शैव धर्म के स्थान पर वैष्णव धर्म को मानता था। स्कंद वर्मन के जो पूर्ववर्ती शासक हुए वो सभी के सभी शैव संप्रदाय के थे, जबकि विष्णु मंदिर का निर्माण कराने के कारण स्कंद वर्मन को हम वैष्णव धर्म का अनुयायी मान सकते हैं। तो स्कंद वर्मन के समय से नलवंशी शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी हो गए। स्कंद वर्मन ने पुष्करी को बसाने के पश्चात विष्णु मंदिर बनाया और विष्णु मंदिर बनाने के पश्चात इसने वाकटक वंश पर पुनः आक्रमण किया। और वाकटक वंश पर जब आक्रमण किया तत्समय वहां का शासक था देवसेन, देवसेन को पराजित किया। और देवसेन को पराजित करने के पश्चात उसने पोड़ागढ़ अभिलेख में लिखवाया कि स्कंद वर्मन विजयी है, विजयी था और विजयी रहेगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप उसे स्पष्ट रूप में लिखिएगा। स्कंद वर्मन ने पोड़ागढ़ अभिलेख में देवसेन को पराजित करने के बाद यह उत्कीर्ण कराया कि स्कंद वर्मन विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। स्कंद वर्मन ने काफ़ी लंबे समय तक पुष्करी को अपनी राजधानी बनाकर शासन करता रहा। स्कंद वर्मन के पश्चात धीरे धीरे इनका सत्ता श्रीहीन होने लगा। श्रीहीन का प्रमुख कारण था इस क्षेत्र पर चालुक्य वंशों का और गंग राजाओं का आक्रमण। चूंकि चालुक्य और गंग राजाओं ने आक्रमण किया इसलिए इनका विस्तार बस्तर से पूर्वी छत्तीसगढ़ की ओर हुआ, तब ये गरियाबंद राजिम की ओर विस्तारित होने लगे। स्कंद वर्मन के पश्चात के जो राजा हैं उसको ध्यान समझिएगा, मैं इधर मिटा करके लिख रहा हूँ इनके आगे के राजाओं को। स्कंद वर्मन के पश्चात के जो राजा हैं उन राजाओं में है, सात राजा हो चुके हैं, आठवां राजा है नंदन राज। नंदन राज के बाद का जो राजा है वह है स्तंभ राज। इनके संबंध में कोई विशेष जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती, बस इनकी जानकारी जो प्राप्त होती है वो होता है कुलिया अभिलेख से, और कुलिया अभिलेख दुर्ग जिले में स्थित है। कुलिया अभिलेख या दुर्ग जिले से इन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। स्तंभराज के बाद के जो इस वंश के राजा हुए उसमें अगला राजा है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के बाद जो राजा है वह है विरूपाक्ष, और विरूपाक्ष के बाद इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा है वह है विलासतुंग। इन तीनों राजाओं की जानकारी हमें मिलती है राजिम अभिलेख में, और राजिम अभिलेख गरियाबंद में स्थित है। परंतु इन तीनों राजाओं में जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा आपका विलासतुंग है। विलासतुंग का शासनकाल इतिहासकारों के हिसाब से 700 ईस्वी से 740 ईस्वी के मध्य में रहा होगा। विलासतुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। आप इस बात को स्पष्ट समझिएगा, राजीव में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग ने कराया। राजीव लोचन मंदिर एक विष्णु मंदिर है, इसके गर्भगृह में काले ग्रेनाइट से बना हुआ एक विष्णु की प्रतिमा है। चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि स्कंद वर्मन के समय से इस वंश के शासकों ने वैष्णव धर्म को अपना लिया था, इसीलिए विलासतुंग ने 700 ईसा से 740 ईसा के मध्य जब शासन किया तो राजिम में महानदी के तट पर राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया, जो मुख्यतः विष्णु मंदिर है जो काले ग्रेनाइट से बना हुआ है। इस मंदिर की निर्माण शैली पंचायतन शैली भी कहलाती है या नागर शैली में यह मंदिर निर्मित है। विलासतुंग के पश्चात इन राजाओं का पतन और क्रमिक रूप से तेजी से बढ़ने लगा, और इस विलासतुंग के पश्चात के जो राजा हुए उसमें एक राजा का वर्णन प्राप्त होता है वह है पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी व्याघ्र के समय इनकी पतन की शुरुआत क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ हो चुकी थी।
पृथ्वी व्याक के पश्चात इस वंश का जो राजा है उस राजा का नाम है भीमसेन। भीमसेन नाम का जो शासक है उसकी जानकारी प्राप्त होती है पांड्या पाथर अभिलेख से। आप इन अभिलेखों को स्पष्ट रूप से समझिएगा, इन अभिलेखों को बार बार मेस द कॉलम में परीक्षाओं पूछा जाता है। एक तरफ शासकों के नाम लिख दिए जाते हैं, दूसरी तरफ अभिलेखों के नाम लिख दिए जाते हैं और उनकी सही जोड़ी के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप उसे याद रखिएगा। तो भीमसेन जो राजा है उसकी जानकारी पांड्या पाथर अभिलेख से मिलती है और पांड्या पाथर अभिलेख उड़ीसा राज्य में स्थित है। संभवतः कुछ इतिहासकार भीमसेन को ही इस वंश का अंतिम शासक मानते हैं, पर कुछ साहित्यों में भीमसेन के अतिरिक्त एक और शासक का वर्णन मिलता है, नरेंद्र थवल, और कुछ शासक नरेंद्र थवल को इस वंश का अंतिम शासक के रूप में संबंधित बताए हैं। इस प्रकार से ये नल वंश के प्रमुख शासक और प्रमुख शासकों की जानकारी आपके सामने संक्षिप्त नहीं बल्कि पूरे विस्तारित रूप में मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। भौदत्त वर्मन और नरेंद्र सेन और यहाँ पर मैंने पृथ्वी सेन जो शब्द का प्रयोग किया है इनके संबंध में मेरे द्वारा पूर्व वीडियो में भी विस्तृत रूप में बताया गया है। आप हमारे YouTube चैनल में आई बटन को दबा करके नरेंद्र सेन पृथ्वी सेन के संबंध में हमारे पूर्व वीडियो में भी जा करके स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नल वंश के पश्चात छत्तीसगढ़ में जो अगला स्थानीय वंश है वह अगला स्थानीय वंश है राजर्षि तुल्य कुल वंश। आप दूसरा स्थानीय वंश के बारे में इसको समझते हैं, एक छोटा सा वंश है उसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको स्पष्ट करता हूं, आप समझिएगा। छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में नल वंश के पश्चात अब हम देखते हैं दूसरा राजवंश, और दूसरे राजवंश का नाम है राजर्षि तुल्य कुल वंश। इस वंश के संबंध में भी हम प्रारंभिक जानकारी पहले समझते हैं, पर प्रारंभिक जानकारी को समझने से पहले हम इनके प्रमुख शासकों को समझते हैं। राजर्षि कुल्य वंश के जो प्रमुख शासक हैं उन प्रमुख शासकों को मैं पहले क्रमबद्ध लिखता हूँ। इनके शासकों कई बार क्रमबद्ध पूछता है और नाम भी पूछता है, CGPSC मेंस 2011 भी इसे पूछा गया है। इस वंश के जो सर्वप्रथम राजा हुए उस राजा का नाम है राजा सूर। कुल 6 शासक हुए, उसे पहला है राजा सूर। राजा सूर के पश्चात जो दूसरा राजा हुए उसका नाम है दायित्य वर्मन प्रथम। दायित्य वर्मन प्रथम के बाद जो तीसरा शासक हुए उसका नाम है विभीषण। चौथा इस वंश के जो राजा हुए उसका नाम है भीमसेन प्रथम। पांचवा इस वंश का जो राजा है उसका नाम है दायित्य वर्मन द्वितीय। और अंतिम जो छठवां राजा है इस वंश का उसका नाम है भीमसेन द्वितीय। आप समझिए, इस वंश में कुल 6 प्रमुख शासक हुए, 6 प्रमुख शासक के आपके नाम स्पष्ट आपके सामने रखा हुआ है। इस वंश का जो छठवां राजा है भीमसेन द्वितीय, इस भीमसेन द्वितीय ने एक ताम्रपत्र जारी किया, उस ताम्रपत्र का नाम है आरंग ताम्रपत्र, और इसी आरंग ताम्रपत्र से ही हमें इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो राजर्षि तुल्य कुल वंश की जो जानकारी है वो जानकारी प्राप्त होती है आरंग ताम्रपत्र से, ये बात पहले आप स्पष्ट कीजिए। दूसरा स्पष्ट करने वाली जो बात है वह ये कि इनका प्रभाव क्षेत्र कहाँ था, तो इनका प्रभाव क्षेत्र जो था वो था आरंग और सिरपुर। तो इनका प्रभाव क्षेत्र था आरंग और सिरपुर में। इनके शासन की अवधि कब तक थी, शासना अवधि, तो इनकी शासना अवधि लगभग 5वीं सदी से लेकर के 6वीं सदी के आसपास तक इनका शासन कालक्रम रहा होगा। अब इस वंश के संबंध में एक जानकारी कि इस वंश का अन्य नाम और भी है, चूंकि इस वंश का पहला शासक राजा सूर था इसीलिए इस वंश को सूर वंश भी कहा गया है। इस वंश की जो प्रतीक था या चिन्ह था, राज प्रतीक कह सकते हैं, तो राज प्रतीक था सिंह। चूंकि इनके द्वारा प्रचलित किए गए सिक्के मुद्राओं में सिंह का अंकन है इसलिए राजर्षि तुल्य कुल वंश का राज प्रतीक हम सिंह मानते हैं। अब सवाल उठता है कि इस वंश का नामकरण राजर्षि तुल्य कुल वंश क्यों रखा गया, चूंकि इस वंश के नाम में स्पष्ट है राजर्षि तुल्य कुल वंश, मतलब राजर्षियों के समान वंश। इसके संबंध में जो इतिहासकार हमारे सामने जानकारी प्रस्तुत करते हैं उसको स्पष्ट रूप से आप समझिएगा। गुप्त राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है उड़ीसा के उदयगिरी अभिलेख से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी उदयगिरी अभिलेख में, अर्थात जो उड़ीसा में स्थित है, उसमें अपने स्वयं के लिए राजर्षि शब्द का प्रयोग किया था। उन्हें अपने आप को राजाधिराज राजर्षि के रूप में संबोधित करवाया है। और संभवतः इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो राजर्षि शब्द स्वयं के लिए प्रयोग में किया गया था, उसी राजर्षि शब्द से ही इन्होंने अपने वंश का नाम रखा है और अपने को उसके, अर्थात गुप्त वंश के समान बताया है। इसीलिए इस वंश का नाम राजर्षि तुल्यकुल वंश पड़ा है। इस नाम से हमें दो बातें स्पष्ट होती है। पहला बात कि इन्होंने स्वयं को गुप्तों के समान बताया है, और दूसरा बात यह कि गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे। गुप्तों की अधीनता के संबंध में दो प्रमाण हमारे पास हैं। पहला ये कि इन्होंने उनके द्वारा प्रचलित उपाधि को अपने वंश के नाम के रूप में प्रयोग किया, और दूसरा इन्होंने गुप्त कैलेंडर या गुप्त संवत को अपने क्षेत्र में लागू कराया। इससे स्पष्ट होता है कि गुप्त शासकों की अधीनता स्वीकार करते थे। आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश के अंतर्गत दो टॉपिक पढ़ा, पहला नलवंश और दूसरा राजर्षि तुल्यकुल वंश। आगे की वीडियो में हम इन्हीं स्थानीय राजवंशों के जो और भी वंश हैं उनके संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया जा रहा यह वीडियो आप सभी के लिए लाभदायी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इसे देखने के लिए। परंतु इसी वीडियो को मैं मेंस की दृष्टि से भी आपको स्पष्ट कर दूं कि इन शासकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए या इन वंशों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी दिया जा सकता है। नलवंश पर यदि कभी टिप्पणी लिखने को दे तो आप नलवंश का एक संक्षिप्त वर्णन करने के पश्चात, जो मैंने फैक्चुअल बताया उसका वर्णन करने के पश्चात, आप इतना एक बात लिख सकते हैं कि नल राजाओं ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक अरण्य संस्कृति होने के बावजूद भी उन्होंने आर्थिक संपन्नता, मंदिरों का निर्माण, स्थापत्य कला का निर्माण किया, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरवशाली संस्कृति को जन्म देती है। और इस प्रकार से अपने निष्कर्ष को लिख करके अपने उत्तर को पूर्ण कर सकते हैं। तो आप सभी इन टॉपिक को न सिर्फ प्री बल्कि मेंस की दृष्टि से भी तैयार करते चलें। हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक से संबंधित जो भी मेंस में संभावित प्रश्न हो सकते हैं उपलब्ध कराया जाएगा। कृपया डाउनलोड करके उन प्रश्नों का उत्तर लिख करके आप हमारे मेल पर भेजें, हम उसका मूल्यांकन कर आपको उचित मार्गदर्शन देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद।